30 मार्च को भारत और पाकिस्तान के सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मोहाली का ये स्टेडियम किले में तब्दील कर दिया गया है। पीसीए स्टेडियम के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी हैं, पंजाब पुलिस के जो पुलिस कर्मी हैं, इसके अलावा जो कमांडोज हैं वो भी स्टेडियम के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो दो लेयर की सिक्योरिटी है। पहला जो स्टेडियम के आसपास के जो 500 मीटर का इलाका है वहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो स्टेडियम के आसपास का 1 किलोमीटर का दायरा है वहाँ पर जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर नाके लगाए गए हैं और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगाया, कैमरा लगाया गया ताकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा सके और कोई भी गतिविधि, असामान्य गतिविधि है उस पर पुलिस की नज़र रह सकती है। पंजाब पुलिस के अलावा चंडीगढ़ पुलिस, जहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो रुके हुए हैं ताज होटल में, वहाँ पे भी ज़बरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की गई हैं। सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके जो इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी किस तरीके से जो वेन्यूज़ हैं वर्ल्ड कप के वहाँ पर हमला करने की फिराक में है, तो उसको देखते हुए जो सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट्स हैं उसको यहाँ के जो अफसर हैं वो लगातार उसको स्कैन कर रहे हैं और यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसका जो खाका है, जो ब्लूप्रिंट है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। तो ये सुरक्षा जो है उसको लेकर के कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, और यही वजह है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और लगातार सीनियर अफसर को अपने अपडेट दे रहे हैं। तो मोहाली स्टेडियम से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ आनंद पटेल, NDTV इंडिया। NDTV's क्रिकेट ऐप, एंड्रॉइड एंड आईफोन, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. NDTV.com/apps